तो हे फ्रेंड्स, तुम्हारा स्वागत है फॉक्स न्यूज़ पर। तो यार आज की वीडियो में हम देखने वाले 6 अनफॉर्चुनेट थिंग्स दैट कैन हैपन विथ यू इन माइनक्राफ्ट। यार बहुत 6 अनफॉर्चुनेट थिंग्स जो तुम्हारे साथ हो सकते हैं। यस, तो यार कल का क्वेश्चन का आंसर था फर ने, जो मैंने पूछा था, और इन बंदों ने सही आंसर दिया जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। जो आज का क्वेश्चन है, इस ब्लॉक का नाम क्या है? अगर तुमने करेक्ट आंसर दिया जल्दी से तो मैं तुम्हारा लूंगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट भी करना होगा इस वीडियो पर, जैसे मैं तुमको ले पाऊंगा, और शेयर भी कर दो वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना होगा तुम्हें। तो यार जल्दी शुरू करते इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अनफॉर्चुनेट थिंग विथ यू दैट कैन हैपन। अगर तुम ऐसे हो मेरे जैसे बंदे, अगर या मतलब टिपिकली तुम नीचे जा रहे हो, नीचे सीधे सीधे माइन करते जा रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा ना। तो मैं सीधे सीधे माइन करते जा रहा हूँ, जाऊँगा भी जाते रहूँगा। ओके, वी गॉट सम आयन, लेट्स टेक सम आयन। रास्ते में आयन मिल गया तो यार आयन भी उठा लेंगे। सो वी गॉट प्रीटी मच, हमें कितने आयन मिले? 5 आयन ब्लॉक्स मिल गए। सो लेट्स गो डाउन। टिपिकली ऐसे जाते रहोगे, और इवेंचुअली तुम लावा में गिर जाओगे। दिस थिंग कैन हैपन विथ यू, सो कभी भी स्ट्रेट डिग डाउन मत करना। सो द सेकेंड अनफॉर्चुनेट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इफ यू आर माइनिंग अ डायमंड। तो यार टिपिकली अगर तुम डायमंड माइन करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे कुछ हो सकता है। यू गॉट वन एंड एक जल गया। यार ये चीज़ थी ना, ये वन ऑफ दी वर्स्ट चीज़ है। देखो ऐसे तुम्हारा डायमंड एक जल जाएगा, और तुम कभी कभी क्या करते हो, ऐसे कर देते हो यार, यू लॉस अ डायमंड। यार ऐसे हो जाता है यार, दिस इज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। क्लियरिंग योर इन्वेंट्री, तुम अपनी गलती से डायमंड फेंक दोगे। यहाँ गलती से अपने डायमंड फेंक दिया तुमने, तो यार दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी वन। यार मेरे साथ बहुत बार हुआ है। टिपिकली ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, गलती से माइन करते हुए मैंने अपना डायमंड्स लावा में गिरा दिया, और गलती से अपना इन्वेंट्री क्लियर करते हुए मैंने अपनी डायमंड्स को लावा में फेंक दिया। यार सो नेवर डू दिस थिंग्स यार। तो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन एंड सो द सेकेंड लास्ट थिंग इज द डाइंग विथ योर बेस्ट थिंग्स। यार देखो तुम्हारे पास इतने सारे बेस्ट थिंग्स, यार वन स्टैक ऑफ गोल्ड, टू स्टैक ऑफ आयरन, वन स्टैक ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास बहुत सारे स्टफ्स हैं। यार तुम ऐसे जा रहे हो, आराम से निकल रहे हो, निकलते जा रहे हो, बहुत आगे पहुंच जाओगे कुछ देर में। सो आफ्टर दैट यू डाइड विथ सम इंसिडेंट, तो मर गए समझो तुम। सो यार इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन हैव, इट इज़ द वर्स्ट थिंग यार। सो मैं जा रहा हूँ आगे, तो मुझे को थोड़े गोल्ड्स मिल गए, इसे भी ले लूँ। यार गोल्ड ज़रूरी है यार, गोल्ड। सो वी गॉट सम गोल्ड एंड लेट्स गो। सो लेट्स ब्रेक दिस सम ऑफ देम एंड लेट्स गो एंड ब्रेक दिस। अगर यहाँ कुछ नहीं होता बहुत अच्छा। ओके एंड यू डाइड लाइक दिस वाइल कैचिंग इट। ओके तो मैं निकल रहा हूँ, निकलने दे मेरे को। ओके आई लाइक दिस, यू डाइड। इट इज़ द वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट डेथ दैट यू कैन हैव। ओके आई एम गोना डाई, यस आई एम गोना डाई, यस दिस इज़ वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट डेथ दैट यू कैन हैव। तो यार ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे पास हर बार तुम लावा से मर गए, और कुछ बड़े हाइट से गिरोगे और टपक जाओगे यार। सो टिपिकली नंबर 6 विल बी द डेथ फ्रॉम अ लार्ज हाइट। यार सो ये वन ऑफ द सैड डेथ है जो तुम माइनक्राफ्ट में ले सकते हो। तो यार ये वेदर भी देखो यार कितना सैड हो चुका है। सो व्हेन यू ट्राई टू जंप फ्रॉम अ टॉलेस्ट माउंटेन दैट यू कैन फाइंड इन योर एरिया, व्हेन यू ट्राई टू जंप फ्रॉम हियर एंड यू कैन नॉट डू योर परफेक्ट स्टंट, तो तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ होती है यार। सो लेट मी शो व्हाट हैपेंस। सो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा जंप करने का, और मैं अगर मैं बच गया तो यार बहुत ग्रेट जंप होगा, मेरे पास वाटर बकेट भी है। सो लेट्स जंप इट, जंप फ्रॉम हियर एंड लेट्स जंप। ओके मेरे पानी। ओके दिस वॉज अनफॉर्चुनेट डेथ, क्योंकि मैंने सही से टाइमिंग नहीं किया इसलिए मैं मर गया। सो डोंट ट्राई दिस इन योर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, ऐसी चीज़ें मत करना यार। ये बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मैंने बताई, ऐसे मिस्टेक्स टिपिकली हर बंदा करता है। तो यार मिल रहा हूँ तुम अगली वीडियो में, तब तक ले बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।